हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का त्रिकोणमिति का परिचय का लेसन हम तैयार करेंगे। उसमें हम सीखेंगे, क्या देखेंगे हम, त्रिकोणमिति में क्या होता है, साइन, कोसाइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आप चुटकियों में याद कर लेंगे, बहुत आसान तरीके हैं, उसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला उसे आपको याद करना है। उसका नाम है ल आ ल, मतलब लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है और आपको इससे कितने फॉर्मूले याद हो जाएंगे, 6 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ओके, देन वी हैव टू स्टार्ट। देन हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ए सी बी ट्राइंगल। तो इसमें हम इसमें ट्राइंगल में ये हमने माना ये एंगल हमारा क्या है, थीटा। तो इस थीटा के लिए हम साइन, कॉस, टेन, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा सबकी हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल है, इसमें इस एंगल के सामने वाली भुजा जो है उसको हम क्या कहते हैं, लंब, मतलब इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। इसको हम कहेंगे कर्ण, इसको कहेंगे हाइपोटेनियस, इसको हम कहेंगे आधार। आधार को हम किससे व्यक्त करेंगे, बेस, बी से। आधार को हम क्या कहते हैं, बेस, तो हम इसको बी से व्यक्त करेंगे। अब हम इस फॉर्मूले को देखेंगे, ल वटे का के नीचे हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा, अ वटे का के नीचे हमने क्या लिख दिया, कॉस थीटा, ल वटे अ के नीचे हमने क्या लिख दिया, टेन थीटा। अब बस अब हमारे फॉर्मूले तैयार हो गए। अब हम देखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा का हमने क्या लगाया, ल बटे का, ल मतलब लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा, इस ट्राइंगल में हमारा लंब का क्या नाम है, ए बी, तो हमने लिख दिया ए बी अपॉन बी सी, बी सी हमारा क्या है, कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का हमारा फॉर्मूला कितने लिए तैयार हो गया, हमने कुछ भी हमने रटा नहीं, बस ए बी अपॉन बी सी। अब हम आते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान क्या है हमारा, अ बटे क, तो आ का मतलब क्या है हमारा, आधार, का मतलब क्या है हमारा, कर्ण, तो हम लिख देंगे आधार बटे कर्ण। ओके, तो इस एंगल के लिए आधार का नाम क्या है हमारा, ए सी, और कर्ण का नाम क्या है हमारा, बी सी। ओके, तो एक ये कॉस थीटा का हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, ए सी अपॉन ए बी। ओके, देन अब आते हैं हम टेन थीटा पर। टेन थीटा में हम देखेंगे कि टेन थीटा के नीचे ऊपर हमने क्या देखा है, ल बटे अ, ल का मतलब लंब, लंब बटे आ, आ का मतलब आधार, लंब बटे आधार। तो अब हम लंब का मान देखेंगे, लंब का नाम क्या है हमारा, ए बी, तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी अपॉन, आधार का नाम क्या है हमारा, ए सी, तो ये हो गया ए सी। अब आ जाइए आप, बस अब आपको ये तीन फॉर्मूले याद हो गए, हो गए साइन थीटा। इससे अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि साइन कोसेक थीटा होता है हमारा, कोसेक थीटा की वैल्यू आई, कोसेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा, ये हमें याद करना पड़ेगा। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, वन अपॉन सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है हमारा, वन अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है हमारा, इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। बस अब हम इन तीन के फॉर्मूले भी यहीं से हम निकाल लेंगे। तो कोसेक थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे इज इक्वल टू क्या है, वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन ए बी, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन बी सी, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। ओके, ऐसे ही हम सेक थीटा की निकालेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन क्या है, सेक थीटा क्या है, वन अपॉन कॉस थीटा, तो हम लिख देंगे वन अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, ए सी अपॉन बी सी, तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। ओके, देन अब किसकी वैल्यू आती है, कॉट थीटा, तो हम लिखते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, वन अपॉन
कॉट थीटा क्या है, 1/10 थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या निकाल लिया हमने, लंब बटे आधार। लंब है हमारा ए बी, आधार है हमारा ए सी। अपनी हमने पढ़ा है छोटी क्लासों में कि नीचे वाली जब डिवाइड में जाती है तो नीचे वाली चीज ऊपर आ जाती है, तो हम क्या लिख देंगे, ए सी अपॉन ए बी। बस अब हमारे फॉर्मूले कितने तैयार हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये मेन फॉर्मूले हमने ट्रिग्नोमेट्री के हमने आज कवर कर लिए। ओके देन आज बस इतना ही। ओके।